हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के अंदर ओप्पो A53 डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो आपके डिवाइस में एंड्रॉयड 12 बेस्ड कलरओएस 12 का ऑफिशियल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो फाइनली ओप्पो की तरफ से न्यू रोड मैप को प्रोवाइड कर दिया गया है, एंड इस न्यू रोड मैप में आपके डिवाइस का नाम भी देखने को मिल जाता है, साथ ही कन्फर्म डेट भी देखने को मिल जाता है। एंड एंड्रॉयड 11 यूजर्स को कलरओएस 12 का ऑफिशियल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, सभी के बारे में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओप्पो A53 डिवाइस के कलरओएस 12 ऑफिशियल अपडेट के बारे में। बट इस अपडेट से पहले आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, एंड वहां पर आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड करके रख लेना है, तभी जाकर आपके डिवाइस में कलरओएस 12 का ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अपने डिवाइस को कलरओएस 12 बीटा अपडेट में अपडेटेड करके रखा है तो कलरओएस 12 का ऑफिशियल अपडेट सीधे आपके डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं कि एंड्रॉइड 11 यूजर्स और बीटा यूजर्स को एंड्रॉइड 12 बेस्ड कलरओएस 12 का ऑफिशियल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो न्यू रोड मैप के अकॉर्डिंग 30 मई को ओप्पो की तरफ से कलरओएस 12 का ऑफिशियल अपडेट को रोल आउट किया जाएगा, एंड इस अपडेट का साइज आपको 500 MB से 600 MB के आसपास देखने को मिलेगा। और एंड्रॉइड 11 यूजर्स को भी सेम डेट में ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल जाएगा, बट एंड्रॉइड 11 यूजर्स को इस अपडेट के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। एंड जैसे ही न्यू वर्जन आता है आपके डिवाइस में तो आपको न्यू वर्जन को इंस्टॉल करके रख लेना है, तभी जाकर आपके डिवाइस में कलरओएस 12 का ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल आई थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूं। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।